हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शोरी फ्रॉम ई गैजेट्स फॉर यू। और ये वीडियो दोस्तों 2018 की ट्रेंडिंग चीज के बारे में है। जैसे दोस्तों मैं एक पहले वीडियो बनाया था स्मार्टफोन्स इन 2018 व्हाट टू एक्सपेक्ट, जिसका कार्ड मैं यहां पे दे रहा हूं दोस्तों, तो वहां पे आप देख पाओगे एक चीज जो ट्रेंडिंग होने जा रहा है स्मार्टफोन्स की, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर्स ऑन द स्क्रीन। हां दोस्तों, वैसे हाल ही में वीवो X20 ने ऑलरेडी ये फीचर लाया है दोस्तों, तो ये वीडियो में हम लोग देख लेंगे ये ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स काम कैसे करता है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर्स एक बहुत ही बड़ा फीचर होता है स्मार्टफोन्स में। आज के दुनिया में ये एक सिक्योर फीचर्स होता है और उसके साथ साथ आपके फोन का सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत सारा ग्रिप आता है आपको इसके लेकर। जैसे आजकल के स्मार्टफोन्स में आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर्स मिलता है या फिर सामने मिल जाता है, तो इतने में दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर्स आप आने वाला है ऑन स्क्रीन। हाँ दोस्तों, जैसे 18:9 एस्पेक्ट रेशियो बेजल लेस डिस्प्ले, ये ट्रेंड बनते जा रहा है, हर एक कैटेगरी के स्मार्टफोन्स में आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिल रहा है, तो यहां पे ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स ऑन स्क्रीन होने में आपको वो स्क्रीन साइज भी बच जाता है, बेजल लेस होने में भी ये एडवांटेज आता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहला फोन जो कि ये फीचर लाया है वो है वीवो X20+UD। हाँ दोस्तों, ये फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर्स ऑन स्क्रीन मिल जाता है। पहले दोस्तों हम लोगों को बात करना पड़ेगा कि ये होता कैसे है और ये है क्या, किसने डेवलप किया है। बात अगर आता है कि किसने डेवलप इसको किया है तो बात वहीं पे आता है सिनेप्टिक्स की। हाँ दोस्तों, सिनेप्टिक्स का एक सेंसर है जो कि FS9500 का सेंसर्स है, जो कि एक सीमॉस सेंसर्स है दोस्तों। ये एम्बेड किया गया है ऑन स्क्रीन पे। ऑन स्क्रीन मतलब वीवो X20+UD में, जैसे आप देख पाओगे टूवर्ड्स द बॉटम एंड ऑफ द स्मार्टफोन फ्रंट एंड ये मिल जाता है आपको, यही पे ये सीमॉस सेंसर्स एम्बेड किया हुआ है। क्योंकि ये सीमॉस बेस्ड एक सेंसर है जिसने सिनेप्टिक्स ने डेवलप किया है, तो ये काम करने के लिए दो चीज बहुत ही मैंडेटरी है। एक तो आपका डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले मतलब ऑप्टिकल एलईडी डिस्प्ले होना चाहिए। तो जिस स्मार्टफोन्स में ऑप्टिकल एलईडी का डिस्प्ले है वही सारे स्मार्टफोन्स में ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स काम करेगा। और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है इसको एम्बेड करने के लिए वो ये है दोस्तों कि वो लाइट जनरेट कर पाए आपके फिंगर्स के ऊपर, ताकि वो सीमॉस सेंसर जो है वो आपके जो फिंगरप्रिंट्स जो है वो ठीक तरीके से पढ़ पाए। हाँ दोस्तों, इसके लिए जैसे एक एलईडी इल्यूमिनेशन लाइट, ये एम्बेड किया गया है ये सीमॉस सेंसर्स के ऊपर, जो कि अभी तक सिर्फ वीवो X20+UD में आपको दिख पाएगा। वहां पे एक एलईडी स्क्रीन आता है या फिर एक लाइट जनरेट होता है जिसके कारण आपके फिंगरप्रिंट्स ठीक तरीके से रीड होता है, और ये रीड सीमॉस सेंसर्स रीड करने के बाद आपके फोन को अनलॉक करता है। ये सिक्योर्ड फीचर है जो कि अभी भी ये फर्स्ट जनरेशन पे है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये काम लगभग ऐसे वीवो का मानना है कि काम करता है विद इन अ सेकेंड, जो कि अभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर्स जो कि फिजिकल बटन में मिलता था उससे थोड़ा हायर टाइम लेता है, लेकिन फिर भी ये काम अक्यूरेटली करता है। और क्योंकि ये स्क्रीन इल्यूमिनेटर की जैसे आता है अपने फिंगर्स के ऊपर, तो जब आप ये यूज करते हो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ऑल द टाइम आपको ये सेंसर दिखेगा नहीं, जब भी आप फोन मूव होता है या फिर आप लॉक की प्रेस करते हो तभी ये स्क्रीन इल्यूमिनेट होता है आपको ये दिखाने के लिए कि कौन सी जगह पे आपको फिंगर रखना है, और तभी वो एलईडी लाइट भी जनरेट होता है उसके साथ साथ, जो लाइट से आपका फिंगर का जो प्रिंट है वो रीड कर लेता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे आता है दो इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो ये होता है कि ये सीमॉस सेंसर्स या फिर ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स एम्बेड करने के बाद क्या ऑल द टाइम आपको ये दिखेगा। दूसरा जो सवाल आता है वो ये है कि ये एम्बेड करने से आपका जो एक्सपीरियंस है ऑफ द फोन स्क्रीन वो खराब होता है कि नहीं। दोनों का ही आंसर नो है दोस्तों। एक्सपीरियंस ऑफ द स्क्रीन कभी खराब नहीं होता है, और जैसे मैं पहले बोला हूं कि जब भी आप अनलॉक करते हो या फिर अनलॉक करने की कोशिश करते हो या फिर फोन को ऐसे उठाते हो, तभी जाके ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स का स्क्रीन जो है या फिर लाइट जो है वो इल्यूमिनेट होता है, उससे पहले तो होता नहीं है। और अगर आपका स्क्रीन एकदम लॉक है, ब्लैक स्क्रीन पे है, तो बहुत माइन्यूटली अगर नोटिस करोगे आपके आई लेवल पे लाने पर, तब शायद आपको दिखेगा कि हाँ एक सेंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि लुक एंड फील या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ भी इश्यूज नहीं आता है, एकदम ठीक तरीके से काम कर लेता है ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स सीमॉस का सिनेप्टिक से डेवलप किया हुआ है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये है या फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि वीवो ने यह पहले इंप्लीमेंट किया है, तो अब
बिग प्लेयर्स मतलब सैमसंग, एलजी, मोटो, ये सारे कुछ क्या करेगा? दोस्तों S9 पे ये आएगा कि नहीं, अभी के लिए कोई कंफर्मेशन तो आया नहीं है, लेकिन जितना भी लीक्स अभी तक आया है S9 या फिर S9 प्लस के लिए, उसमें से अभी भी ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स ऑन स्क्रीन के बारे में कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। हो सकता है टुवर्ड्स एंड ऑफ 2018 मतलब नोट सीरीज में शायद ये आ जाए। डेफिनेट तो यह है कि बाय 2019 ये और अपग्रेडेड हो जाएगा, इसका R&D और चलेगा इसके ऊपर और एनहेंस्ड वर्जन आएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि विद इन अ मिलीमीटर ऑफ अ सेकेंड ये खुल जाएगा ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स, वैसे भी हो सकता है। अभी के लिए जो जो फ्लैगशिप लॉन्च होने जा रहा है 2018 में, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, आया है। एक लीक्स आया था OnePlus शायद इंप्लीमेंट कर सकता है ये, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा, विद टाइम हम लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा दोस्तों कि हाँ ये आता है कि नहीं 2018 के बारे बाकी कुछ स्मार्टफोन्स में। अभी के लिए यही टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो कि एक इनोवेशन है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।